साथ साथ दूसरे जो टिश्यू है उसके अंदर भी इंट्री कर जाता है और तकलीफ पहुँचाता है, जिसके साथ साथ बढ़ता जाएगा तो इंसान की डेथ भी हो जाएगी। ठीक है, और फिर अगर इसको प्राइमरी स्टेज तक अगर नहीं निकाला गया, ये प्रोसीड करके लॉन्ग आगे का स्टेज पीछे जा सका, तो क्या करेंगे इसका रिकवरी करना बड़ा ही मुश्किल है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन क्या आ गया था, कैंसर को दो भागों में बांटा गया था, एक सॉलिड ट्यूमर, ट्यूमर होगा हार्ड होगा वो कैंसर है, दूसरा क्या था ल्यूकेमिया था, मतलब जिसको कहते हैं ब्लड कैंसर, और तीसरा था ल्यूको क्या था लिम्फोमा, मतलब लिम्फ ग्लैंड्स का कैंसर। ठीक है, लिम्फ ग्लैंड का कैंसर और ल्यूकेमिया, और सेल का जो रहेगा वो क्या है ट्यूमर है। ठीक है, कैंसर दो प्रकार के हैं, उसको कैटेगराइज में दो भागों में बांटा गया है। अब आज के देखते हैं पॉजिटिव एजेंट। ठीक है, कैंसर का पॉजिटिव एजेंट क्या है, मतलब कैंसर हो रहा है तो उसका फैलाने का कारण क्या है। ठीक है, कौन फैला रहा है, कैंसर इज कॉज बाय मल्टीपल कॉजेस, कैंसर होने का कई कारण है, अगर कैंसर हुआ तो कुछ कारण होगा, कोई बीमारी होगी तो पीछे क्या कारण है, उसके पीछे क्या कारण है, मेनली एनवायरमेंटल फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर केसेस। ठीक है, कह रहे हैं जो कैंसर हो रहा है सबसे ज्यादा उसका है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंट फैक्टर से क्या समझ रहे हैं, एनवायरमेंट फैक्टर मतलब हमारे आस पास का जो वातावरण है, ठीक है, वही कारण बन रहा है कैंसर का। ठीक है, हमारा मेनली जो ज्यादा है हमारा वातावरण पोल्यूटेड है, जिसका कैंसर का सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, कभी इतनी ज़्यादा आगे हो रहा है, जितने वाईफाई मोबाइल नेटवर्किंग बिजली का खंभा ये सब लग रहे हैं, तो अभी तो दिख नहीं रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो कहीं कहीं इनका तो डाल ही रहा है। ठीक है, डाल रहा है तो कारण हो सकता है। तो एनवायरमेंट फैक्टर में क्या क्या है, फॉलोइंग आर द सम इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ फॉर कैंसर। ठीक है, अब इसमें से एनवायरमेंटल में से कुछ कारण है कैंसर होने का, कह रहे हैं एनवायरमेंट क्या है, स्मोकिंग करोगे। ठीक है, चीविंग ऑफ टोबैको इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अग्रेस ऑफ कैंसर ऑफ माउथ एंड लैरिंग्स लंग्स फैरिंग्स स्टमक कैंसर एंड किडनी। ठीक है, स्मोकिंग मतलब सिगरेट पी रहे हो तो क्या है, आप एक्टिव स्मोकर हो, एक्टिव आपने लिया धुआं आपने लिया, एक्टिव स्मोकर। ठीक है, आपको क्या आपके फेफड़े को नुकसान कर रहा है, पैसे में क्या धुआं बांट फेंके जो आपके साथ है उसके जाएगा, उसके लंग्स में जाएगा। ठीक है, तो पैसे आप तो नहीं पी रहे हो, कह रहे हम तो नहीं पी रहे लेकिन आप फेफड़े थोड़े हो, धुआं जा रहा है आपके पास, तो आप भी पैसे हो। और क्या है, टबैको जो गुटखा है पान है मसाला है इसको अगर खा रहे हैं तो स्मोकिंग एंड टबैको ये किसके लिए कैंसर का कारण बन सकता है, क्या ये इन्वायरमेंटल में है, इन्वायरमेंटल में मतलब हमारे जो परिवेश है वहाँ पे ये सब मौजूद है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें क्या है ये माउथ का कैंसर का कारण बन सकता है तम्बाकू और सिगरेट। और कहाँ बन सकता है, टंग का, जीभ का कैंसर बन सकता है, लैरिंग्स का, लैरिंग्स लैरिंग्स कहाँ पाएगा, एक गला में, हाँ लैरिंग्स ये गला में। ठीक है, लैरिंग्स क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स, हाँ बोल रहे हैं ना आवाज निकल रहे हैं, लैरिंग्स है, फैरिंग्स, और ट्रेके क्या है, विंड पाइप जिसे ऑक्सीजन जा रहा है विंड पाइप है। लैरिंग्स मतलब आपके जहाँ आवाज निकल रही है उसमें कैंसर हो सकता है, इधर ही से धुआं जाएगा, दारू इधर से जाएगा, टोबैको इधर जाएगा, लंग कैंसर हो सकता है, फेफड़े का कैंसर हो सकता है, फैरिंग्स हो सकता है, लैरिंग्स पर फैरिंग्स आता है। ठीक है, फैरिंग्स का कैंसर हो सकता है, स्टमक का कैंसर, पेट का कैंसर हो सकता है, पैंक्रियाज का कैंसर हो सकता है, पैंक्रियाज का राइट साइड में। ठीक है, किडनी का कैंसर हो सकता है। ठीक है, तंबाकू और स्मोकिंग करने से आपका लंग्स का, किडनी का, लीवर का, पैंक्रियाज का, माउथ का, टंग का और फैरिंग्स लैरिंग्स का कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल आल्सो कॉज अ कैंसर ऑफ ओसोफेगस एंड स्टमक। ठीक है, आवश्यकता से अधिक अगर आप शराब ले रहे हैं या शराब का सेवन कर रहे हैं तो आपको ओसोफेगस का कैंसर हो जाएगा। ओसोफेगस कहाँ है, यानी स्टमक के ऊपर वाला भाग ओसोफेगस है,
उसको फैगत तो कौन सा डाइजेशन होता है? बीपी तो कौन कर दिया उसको फैगत में कौन सा? उसको फैगत में कोई डाइजेशन नहीं होता, जबकि जीआईटी के सभी आलग को कुछ ना कुछ शुरुआत मुंह से ही हो जाती। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन मुंह से ही शुरू हो गया, मुंह में खाना गया यहीं से डाइजेशन शुरू, ठीक है। और हर पार्ट में होता है, लेकिन ओसो फैगस के बाद है जब कोई डाइजेशन नहीं होता, ठीक है। ओसो फैगस बाद कैंसर हो सकता है, स्टोमक कैंसर हो सकता है अगर ज़्यादा एल्कोहल का कंजप्शन किया गया तो। फिर कह रहा है हाई फैट डाइट इज रिलेटेड टू ब्रेस्ट कैंसर। हाई फैट डाइट मतलब बहुत ज़्यादा अगर फैट का सेवन करते हैं, फैट मतलब चिकना वाली चीज़ें, तेल मसाला घी का ज़्यादा सेवन कर रहे हो तो ब्रेस्ट कैंसर होने का, स्तन कैंसर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। डाइट्री फाइबर, डाइट में अगर फाइबर की मात्रा आप ज़्यादा ले रहे हो, ठीक है, तो क्या हो सकता है? इंटेस्टाइनल कैंसर हो सकता है, आंतों का कैंसर हो सकता है, आंत जिसमें खाना सब अवशोषण होता है उसका कैंसर हो सकता है। कंजप्शन ऑफ स्मोक फिश इज रिलेटेड टू द स्टमक कैंसर। स्मोक फिश मतलब भुना हुआ जो मछली होता है, तला भुना वाली मछली जो होती है उसको कहते हैं स्मोक फिश, ठीक है। उससे क्या है, पेट के कैंसर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, अगर ज़्यादा ले रहे हो, ज़्यादा खाओगे तो उससे चांसेस हो जाएंगे पेट का कैंसर होने। डाइजेस्ट जो एसिड तो निकलेगा स्टमक से वहाँ जाता है, अब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन में, मैक्सिमम डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू वेरियस केमिकल एजेंट, फिर और क्या हो सकता है हमारे एनवायरमेंट को देखा जाएगा तो क्या केमिकल है, ठीक है, फैक्ट्री में तो केमिकल एजेंट है, केमिकल एजेंट लाइक एजोटाइड, बेंजाडाइड, एस्बेस्टॉस, निकिल, कैडमियम, क्रोमियम, विनाइल क्लोराइड, आर्सेनिक, पॉलीसाइक्लिक, हाइड्रोकार्बन, कास्ट कैंसर ऑफ द लंग्स एंड द स्किन, ठीक है। ऐसे कंपनियों में, ऐसे फैक्ट्रियों में या कहीं लगा हुआ है फैक्ट्री, अब जहाँ फैक्ट्रियाँ लग रही थी लोग वहाँ पे घर बनाना नहीं चाहते, ठीक है, जहाँ वायरिंग या नेटवर्किंग रहता है वहाँ पे नहीं लेना चाहते, उससे हमेशा कुछ ना कुछ रेडिएशन निकल रहे हैं या वहाँ से कंपनियाँ से कुछ ना कुछ पॉल्यूशन निकल रहा है, केमिकल एजेंट निकल रहे हैं। आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और वहाँ से आर्सेनिक का है, और आर्सेनिक है, केमिकल है, कैडमियम है, कर रहे हैं, धुआं उड़ रहा है, धीरे धीरे आपके लंग्स में जाएगा, स्किन के एक्सपोजर में आएगा, वहाँ कैंसर होने के चांसेस बढ़ा देगा, ठीक है। लंग्स का सांस लोगे तो अंदर जाएगा, जिसे कहीं भूसा उछा है तो वहाँ पे जाओगे तो गर्दा लंबे समय तक काम करोगे तो उसमें कंजेशन हो जाएगा और वो ऐसे इरीटेशन चीज़ें हैं बादल केमिकल्स आ रहे हैं तो स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। सम वायरस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर। अब कुछ वायरस हैं जो कैंसर काज करते हैं, अभी क्या था कुछ इन्वायरमेंट फैक्टर थे जो कैंसर काज कर रहे थे, अब कह रहे हैं इसके अलावा कुछ वायरस हैं जो कैंसर जैसे रोग उत्पन्न करते हैं, उसमें क्या है एग्जाम्पल के रूप में हेपेटाइटिस बी वायरस कैन प्रोड्यूस कैंसर ऑफ द लीवर। हेपेटाइटिस बी वायरस सबसे खतरनाक हेपेटाइटिस बी का बी, ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायरस बी जो लीवर को प्रभावित करता है, लीवर कैंसर होने के चांसेस हो जाएंगे। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एचपीवी कैन कॉज कैंसर ऑफ द सर्विक्स, ठीक है। तो कह रहा है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एचपीवी ये क्या है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। इससे क्या होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से वायरस फैलता है ज़्यादातर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, कि कहाँ पर होगा, सर्विक्स में होगा। सर्विक्स क्या है, फीमेल जेनेटल ऑर्गन का पार्ट है सर्विस, तो सेक्सुअल जेनेटल होगा तो वहाँ पे पेपिलोमा अगर वायरस पहुँच गया तो वहाँ पे कैंसर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया ल्यूकेमिया होता है ब्लड कैंसर, WBC का टी सेल उसमें पाया जाता है, उसका कैंसर मतलब उसका जो वायरस होगा ल्यूकेमिक वायरस इज रिस्पॉन्सिबल टी सेल ल्यूकेमिया। तो टी सेल WBC के टी सेल को
और वहाँ पे कैंसर होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन? टी सेल वायरस, ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस। ठीक है, इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा कारण है कैंसर?